पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को MiG-21 से मार कर गिराने वाले और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन कल अपनी सरजमी पर लौट आए। पूरा देश उनकी बहादुरी को, उनकी देशभक्ति को, उनके हौसले को सलाम कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने F-16 विमान, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन ने खदेड़ दिया था, उसके पायलट को दुनिया से छिपाने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। भारत के दबाव के चलते पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ा, लेकिन अपने विमान F-16 और उसके पायलट के बारे में बताने में पाकिस्तान डर रहा है। आपको याद होगा 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि भारत के दो पायलट्स पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दो पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी रेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास। तो सुना आपने पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल गफूर क्या कह रहे हैं। जो भारतीय सेना के पायलट थे वो अभिनंदन वर्तमान वापस अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब तक ये नहीं बता पाया कि वो दूसरे पायलट कहाँ है जिसे पकड़ने का दावा पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी किया था। दो हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां की सेना के जनरल गफूर दोनों ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान के दो पायलट्स हमारे पास हैं। तो वो दूसरा पायलट जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम ने बुरा सलूक किया और जिसे अस्पताल में देखरेख के लिए एडमिट किया था, वो आखिर है कहाँ। हालांकि पाकिस्तान की ओर से बाद में फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास एक ही पायलट है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो दूसरा पायलट आखिर कहाँ है। दरअसल भारतीय वायुसेना की प्लेन MiG-21 ने पाकिस्तान की फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था, तब पाकिस्तानी पायलट पैराशूट से नीचे उतरा था, ऐसा सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ अखबारों में भी पाकिस्तानी पायलट के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि बाद में कुछ दबाव के चलते पाकिस्तानी मीडिया ने हर तरफ से ये खबर दबा दी। पाकिस्तानी पायलट को लेकर हो रहे दावे के अनुसार F-16 के पायलट का नाम विंग कमांडर शहजाज उद्दीन है, जो कि 27 फरवरी के दिन अपने जेट F-16 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद पैराशूट से नीचे उतरा था। लेकिन जाहिल पाकिस्तानियों ने अपने ही पायलट को भारतीय पायलट समझ इतना पीटा कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। और जिस दूसरे भारतीय पायलट के अस्पताल में होने का दावा पाकिस्तान कर रहा था वो असल में पाकिस्तानी वायुसेना के विंग कमांडर शहजाज उद्दीन ही था, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर मार्शल वसीम उद्दीन का बेटे, जिनकी शहादत पर भी पाकिस्तान राजनीति कर रही है। ये है पाकिस्तान की कायराना हरकत, जो अपने ही पायलट के बारे में किसी को भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान अपने पायलट की मौत को इसलिए भी छुपा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने F-16 विमान आतंकवाद से बचाव के लिए दिया था, मगर आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान ने अपने असली इरादों को दुनिया के सामने ला दिया और F-16 को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। और अब पाकिस्तान को डर है कि अगर F-16 के इस्तेमाल की बात सामने आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने F-16 को वापस ना मांग ले। हमें खुशी है कि भारत माँ के वीर पुत्र विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान आज सकुशल अपने देश में है। वहीं एक पायलट जो अपने ही देश की सरजमी पर अपने ही लोगों द्वारा मार दिया गया, और अफसोस कि उसके देश के लोग उसकी मौत को भी सम्मान नहीं दे पाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।